हेलो फ्रेंड्स, समिट प्रत्युष में आपका स्वागत है। आज के इस नए वीडियो में हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति से रिलेटेड जी बहुत सारे एग्जाम्स में जो कि जीके रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं उसमें कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न को लेकर वो दूर हो जाएगा। इसे हम दो पार्ट में बनाएंगे। पहला ये पार्ट है, इसमें हम कुछ बेसिक्स जानकारी के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे इनका चुनाव होता है, क्या पुनर्निर्वाचन हो सकता है या नहीं, इनके निर्वाचन की क्या विधि है, रीति क्या है, वरीयता क्रम क्या है, एक वोट वैल्यू क्या है, एक एमपी का, एक एमएलए का, उन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो पावर्स दिए गए हैं या कार्य एवं शक्ति जो प्रदान किया गया है कार्यपालिका के हेड को जो राष्ट्रपति हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले कुछ बेसिक्स बात जान लेते हैं कि हमने महत्वपूर्ण अनुच्छेद का दो पार्ट में वीडियो बनाया है, उसे आप देख सकते हैं। वहाँ पे हमने राष्ट्रपति के बारे में भी बताया है और वहाँ से आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेगी और इस वीडियो को पढ़ने में ज़्यादा आसानी से आप समझ सकते हैं कि क्या राष्ट्रपति या जो कार्यपालिका के सबसे हेड हैं उनके बारे में क्या प्रश्न पूछे जाते हैं जेके रिलेटेड एग्जाम्स में। चलिए तो शुरू करते हैं। इसके पहले जो वीडियो मैंने बनाया है, एक और अभी जो लेटेस्ट में पिछले वीडियो में जो मैंने डाला है वो था कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के बारे में। और ये जो है राष्ट्रपति, ये कार्यपालिका के सबसे प्रथम और सबसे प्रमुख अंग जो है कार्यपालिका का, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ रहे हैं। हम लोग जानते हैं कार्यपालिका के सबसे हेड राष्ट्रपति होते हैं और इन्हें बहुत सारी शक्तियां प्रदान की गई है, लेकिन ये अपने शक्तियों का उपयोग या प्रयोग प्रधानमंत्री के माध्यम से करते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री को वास्तविक हेड कहा जाता है और राष्ट्रपति को नॉमिनल हेड या नामित हेड कहा जाता है। ये अपनी शक्तियों का अपने से बहुत कम उपयोग करते हैं। यही कारण है कि अब तक हमारे देश में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया जा सका है, क्योंकि यह संविधान के पद की गरिमा होती है और जिसका उल्लंघन कभी भी हमारे राष्ट्रपति, कोई भी राष्ट्रपति ने नहीं किया है। चलिए तो शुरू करते हैं कि इससे क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला है अनुच्छेद 52, याद रखेंगे इसमें अनुच्छेद से कई बार प्रश्न, फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं, तो अनुच्छेद ये याद होने चाहिए कि किस अनुच्छेद में क्या है। अनुच्छेद 52 में है पद। पद हमारे संविधान में कहा गया है कि राष्ट्रपति का एक पद होगा। तो ये राष्ट्रपति क्या होते हैं? राष्ट्रपति भारत के सबसे सर्वोच्च पद होता है और वरिष्ठ नागरिक होते हैं। इन्हें भारत का प्रथम नागरिक भी कहते हैं, भारत के प्रथम नागरिक भी कहते हैं, और ये कार्यपालिका के सबसे हेड होते हैं। हमारे देश में दो स्तर पर सरकार है, संघ यानी केंद्र, और यहाँ पे सरकार है, और राज्य स्तर पे सरकार है। संघ स्तर यानी देश स्तर पे कार्यपालिका के सबसे हेड राष्ट्रपति होते हैं। यही नहीं, पूरे देश में कार्यपालिका के सबसे हेड जो होते हैं उन्हें राष्ट्रपति कहते हैं। दूसरा है अनुच्छेद 53। इसमें राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियां प्रदान की गई हैं, जैसे पार्डनिंग पावर, सैन्य शक्ति, विधायिका शक्ति, न्यायपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति। इन सब सारी शक्तियों की बारे में डिटेल से हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में। तो ये दोनों हो गया। नेक्स्ट है अनुच्छेद 54। इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की गई है कि राष्ट्रपति का किस तरह से निर्वाचन किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन
अप्रत्यक्ष विधि से किया जाता है। प्रत्यक्ष विधि जो होता है, अप्रत्यक्ष विधि से राष्ट्रपति का चुनाव, और प्रत्यक्ष विधि से जो चुनाव होता है उसमें डायरेक्टली जनता वोट करती है और उनका चुनाव करती है। जैसे ए बी सी डी कोई आदमी है, ए बी सी डी ये किसी भी एमपी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो जनता इन्हें वोट देगी और जो सबसे ज़्यादा, जिनको सपोज बी को सबसे ज़्यादा मत मिला तो ये जीत जाएंगे। तो इस तरह से ये प्रत्यक्ष विधि से वोटिंग कराना है। लेकिन राष्ट्रपति की वोटिंग में ऐसा नहीं है, इन्हें अप्रत्यक्ष रूप से वोटिंग कराया जाता है। तो अप्रत्यक्ष रूप से वोटिंग करता कौन है, किनको वोटिंग राइट मिला हुआ है कि आप राष्ट्रपति का चुनाव कर सकते हैं, उनके लिए मतदान कर सकते हैं? तो उनके मतदान के लिए एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई है, निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई है। ये निर्वाचक मंडल में चार चीज होते हैं। पहला लोकसभा, लोकसभा के सदस्य, दूसरा राज्यसभा, सभा के सदस्य, तीसरा विधानसभा, चौथा दिल्ली पुडुचेरी एंड जम्मू कश्मीर, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ विधानसभा की बात की गई है। तो वहाँ के जो विधानसभा के मेंबर होते हैं वो भी वोटिंग करते हैं। नेक्स्ट बात सबसे इम्पॉर्टेंट कि विधान परिषद, विधान परिषद इनका वोट नहीं करते हैं, विधान परिषद इनका वोट नहीं करते हैं। आप लोग जानते होंगे कि हमारे देश में कुल 6 राज्य ही हैं ऐसे जहाँ पे विधान परिषद है। तो अगर ये वोट करने जाएंगे तो एक तरह से किसी राज्य के हैं तो वहाँ का प्रतिनिधित्व ज़्यादा बढ़ जाएगा, लोग उनकी ज़्यादा वैल्यू करेंगे, तो ये कभी भी वोट नहीं करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट एक और बात कि ये लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के सदस्य हैं वो कौन से सदस्य, वो निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य। सबसे इम्पोर्टेंट यही प्रश्न है कि कौन से सदस्य उनका वोट करते हैं। जो मनोनीत हैं वो कभी भी वोट नहीं करेंगे, हमेशा निर्वाचित सदस्य ही वोट करेंगे। तो सारे में निर्वाचित सदस्य, ठीक है। कौन वोट करेंगे, इनके निर्वाचक मंडल कौन कौन से होंगे, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और दिल्ली पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है, उनके चुने हुए या निर्वाचित सदस्य जो होंगे वही वोट करेंगे राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। तो ये उनका निर्वाचक मंडल है, इसके बारे में समझ गए। तो इसमें कितने सीट हो जाएंगे, लोकसभा में 543 मेंबर्स ये वोट करेंगे, 555 मेंबर्स टोटल है, मैक्सिमम है, लेकिन 543 ही चुने जाते हैं, निर्वाचित किए जाते हैं। और यहाँ पे 233, ये कितना हो गया 776 हो गया। विधानसभा, कुल विधानसभा जो ऑल ओवर इंडिया में जो इसकी सीट है वो है 4120 सीट, ठीक है, ये इनको भी मिलाकर 4120 सीट है। तो ये जो है, ये कुल जो है इतने लोग ही वोट करते हैं, ये सब निर्वाचित हैं। ये हम समझ गए निर्वाचक मंडल क्या होता है। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 54 हो गया निर्वाचन, 52 में क्या है पद की चर्चा, 53 में क्या है कार्य एवं शक्तियां, 54 में क्या है निर्वाचन। और अब आते हैं निर्वाचन की रीति, निर्वाचन की रीति क्या है। सबसे पहले रीति मतलब विधि, किस प्रकार से निर्वाचन किया जाता है इनका। इसमें निर्वाचन जो किया जाता है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम लोग याद रखेंगे वो समान आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के उपयोग किया जाता है। क्या उपयोग किया जाता है, समान आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, समान आनुपातिक प्रतिनिधित्व
प्रणाली। इसमें क्या है? इसमें हम लोग जानते हैं कि दो स्तर पर सरकार है, संघ यानी देश, और राज्य स्तर पे सरकार है, राज यानी राज्य के विधानसभा। ठीक है, संघ में यानी देश स्तर पे लोकसभा और राज्यसभा, यहां पे 776 है लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स, और यहां पे 4120 है। ऐसा प्रयास किया गया है कि दोनों के मत बराबर हों। ऐसा प्रयास किया गया है कि संघ का और राज्य का दोनों का मत बराबर हो, यानी 776 के बराबर ही 4120 का मत हो, मत वैल्यू हो। इस कारण से संघ यानी संघ में जो लोकसभा और राज्यसभा है वहाँ के सांसद और विधायक जो राज्य में हैं, उन दोनों का जो मत वैल्यू है उन्हें अलग अलग रखा गया है। तो अब चलिए देखते हैं इसको निकालते कैसे हैं। एक विधायक का मत वैल्यू बराबर क्या होगा? एक विधायक क्या हो जाएगा? उस राज्य की कुल जनसंख्या बटे उस राज्य के कुल विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, उस राज्य के कुल विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के निर्वाचित सदस्य गुने 1/1000। ये 1000 इसलिए किया गया है कि इसका जो वैल्यू है वो कम आ जाए, और कोई कारण नहीं है, बस इसके वैल्यू को कम करने के लिए। एक सांसद का वोट वैल्यू कितना हो जाएगा? एक सांसद का कुल विधायकों का मत मूल्य अपॉन कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या, सांसदों संख्या, इसमें ये 1/1000 से गुना या भागा नहीं करेंगे। तो ये हम समझ गए कि एक विधायक का कितना वोट वैल्यू होता है और एक सांसद का कितना वोट वैल्यू होता है। इसमें एकल संक्रमणीय एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति या एकल संक्रमणीय मत पद्धति को अपनाया जाता है। एकल मतलब एक, और हस्तांतरणीय मतलब देना, यानी कि एक व्यक्ति जैसे कोई विधायक अगर वोट कर रहे हैं तो वो अपने राज्य के विधानसभा क्षेत्र के, जिस विधानसभा क्षेत्र से वो चुने गए हैं वहां के लोगों के बदले वो अकेले वोट करते हैं, या अगर सांसद वोट कर रहे हैं तो वो अपने लोकसभा क्षेत्र के बदले, लोकसभा क्षेत्र में जितने लोग हैं उनके बदले एक आदमी ही वोट कर रहे हैं। यही है
एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति में ये तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है और गुप्त रूप से मतदान किया जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से और गुप्त मतदान किया जाता है, यानी कि ऐसे तो गुप्त मतदान ही होता है सब जगह ही, लेकिन यहां भी एक कहते हैं कि गुप्त मतदान होता है। अब बात आती है कि यहां डायरेक्ट अप्रत्यक्ष रूप से जब चुना जा रहा है तो इनका क्या होता है कि कोटा होता है। एक कोटा, कोटा क्या होता है? कुल वैध मत अपॉन टू और प्लस वन, यानी कि 50% प्लस वन। कुल वैध मत अपॉन टू हो गया तो 50% प्लस वन हो जाएगा। वन हो या टू हो, जितना भी मिले, ऐसे तो पता ही होता है कि कौन जिनका राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा में ज्यादा संख्या होता है, जिस दल का, उसी दल के जो नेता खड़े होते हैं वही राष्ट्रपति चुने जाते हैं। तो ये कोटा बहुत जरूरी है, कोटा होता है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। इसमें क्या होता है कि वरीयता क्रम देखी जाती है। वरीयता क्रम क्या, जैसे अगर चार लोग खड़े हैं, ए बी सी डी, चार लोग खड़े हैं और कोई आदमी या हम ही समझे कि मुझे वोट देने का अधिकार है, तो हम जाकर इस तरह से वोट देंगे। पहला मुझे पसंद है कि इन्हें वोट दें, तो इन्हें एक नंबर दे देंगे। फिर दूसरे नंबर में हम इन्हें चाहते हैं कि ये अगर नहीं जीतते हैं तो ये इन्हें वोट, ये जीतें, ये दो, ये फिर चाहें कि ये अगर नहीं जीतते हैं तो ये जीतें, और ये भी नहीं जीतते हैं तो ये जीतें। तो इस तरह से वरीयता देते हैं, सभी को वरीयता देना है। इसको हम सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं। एकल संक्रमणीय पद्धति जो बोलते हैं वही है। तो इस तरह से किया जाता है और चार चरण का ये चुनाव हुआ। तो पहले चरण में अगर किसी को 50% आ गया, 50% और प्लस वन आ गया, वो तो जीत जाएंगे, और ऐसा ही अक्सर होता है। लेकिन एक बार वीवी गिरी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति बने जिनका चुनाव दूसरे चरण के काउंटिंग के बाद उन्हें चुना गया था। जैसे अगर इसमें 50% नहीं आता है तो फिर इनको देखेंगे, इस वरीयता को, और इस वाला जो है, जिस चिन्ह सबसे लास्ट दिया गया है, उसे हटा देंगे। तो इस इनका अगर 50% आ जाता है, इस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं और 50% प्लस वन जिनको आ जाता है वो जीत जाते हैं। हम लोग समझ गए कि वरीयता क्या है, एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति क्या है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या है, कोटा क्या है और वरीयता क्या है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 में कहता है पदावधि, यानी कि राष्ट्रपति का पद की जो अवधि है वो कितने दिन तक होगा। इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो 5 वर्ष कब से, जब नॉमिनेशन किए तब, या जब उन्हें यह सूचना मिली कि हाँ आप लड़ सकते हैं तब से, या फिर जिस दिन से शपथ लिया उसके बाद से 5 साल। तो जिस दिन से शपथ लिया उन्होंने उसके बाद 5 साल जो होता है उसे हम लोग पदावधि बोलते हैं। ये इनका पद की अवधि होती है। इस 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान अगर वो चाहें कि हम त्याग पत्र दें तो वो किन्हें त्याग पत्र देंगे, वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देंगे। त्याग किन्हें देंगे? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति किन्हें देते हैं? राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है पुनर्निर्वाचन। पुनर्निर्वाचन में यह है कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो कितने बार निर्वाचित किया जा सकते हैं। तो इनका कोई तय सीमा नहीं है कि कितने बार वो निर्वाचित किया जा सकते हैं और कितने साल तक वो निर्वाचित किया जा सकते हैं। यही अलग करता है
यूएसए के संविधान से भारत का संविधान, यानी कि ये दो बार, दस बार या जितने बार भी चुने जा सकते हैं उतने बार चुने जाएंगे, लेकिन यूएसए में क्या है, वो मैक्सिमम दो बार ही रह सकते हैं। तो इनका पुनर्निर्वाचन ये कितने बार भी रह सकते हैं, और एकमात्र जो सबसे अधिक बार रहे हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दो बार रहे हैं राष्ट्रपति लगातार। नेक्स्ट है इनकी योग्यता, इनकी योग्यता क्या होगी, इनकी योग्यता क्या होगी। नेक्स्ट है इनका योग्यता, वो पहले में भारत के नागरिक हों, भारत का नागरिक होना बहुत जरूरी है, कि भारत के नागरिक होंगे तभी ये राष्ट्रपति चुने जा सकते हैं। दूसरा, 35 वर्ष पूरा कर चुके हों, यानी कि अगर 35 वर्ष से एक दिन भी कम है तो वो इलेक्शन चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तीसरा, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखते हों, चौथा है, किसी लाभ के पद पे ना हों, ये जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये जो पद होते हैं वो किसी लाभ के पद नहीं होते हैं, इनकी एक अपनी गरिमा होती है। तो हम लोग, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत सारे जो नागरिक हैं, जो भारत के तो नागरिक हैं, 35 वर्ष पूरा कर चुके हों, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखते हों और किसी लाभ के पद पे ना हों, तो ऐसे तो बहुत सारे 50,000 लाखों लोग होंगे जो चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ इसके कारण है जिसके कारण से बहुत लोगों का जो सपना है कि हम राष्ट्रपति बने वो अधूरा रह जाता है। इसके लिए क्या है कि अनुमोदक, और जिस समय वो नॉमिनेशन करने जाते हैं उस समय 50 अनुमोदक का होना, 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक का होना जरूरी है। अगर 50 अनुमोदक हैं और 50 प्रस्तावक हैं तभी वे चुनाव लड़ सकते हैं। तो हम ये देखें कि 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक, तो ये जो 50 अनुमोदक हैं वो वैसे लोग ही प्राप्त कर सकते हैं जिनका पॉलिटिकली अप्रोच है, तो ये हो गया 50 अनुमोदक और प्रस्तावक। राष्ट्रपति के चुनाव के समय एक बात और ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति के चुनाव के समय ₹15,000 जमा कराया जाता है। यह इसलिए कि अगर किसी, जो कैंडिडेट खड़े हैं उन्हें अगर 1/6 कुल वैध मत का 1/6 वोट अगर नहीं मिलता है तो उनकी जमानत जब्त कर ली जाती है, 1/6 ऑफ कुल वैध मत। और जमानत राशि के रूप में ₹15,000 रखा जाता है। इसे RBI में या किसी सरकारी खजाने में रखा जाता है, और अगर वे 1/6 वोट से ज़्यादा ले आते हैं, कोई भी सदस्य जो भी खड़े हैं अगर 1/6 कुल वैध मत से ज़्यादा ले आते हैं तो उन्हें ये ₹15,000 लौटा दिया जाता है, या जो जीत जाते हैं
उन्हें 15,000 रुपया लौटा दिया जाता है। लेकिन जो हार जो 1/6 मत भी नहीं ले आते लाते हैं उनका पैसा रख लिया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट, उनका शपथ। शपथ कौन दिलाते हैं? अब ये जब चुन लिए गए हैं तो इनका शपथ होगा। शपथ के बाद से ही, जिस दिन शपथ होगा उस दिन के बाद से 5 वर्ष तक उनका कार्यकाल होगा। तो शपथ कौन दिलाते हैं? इनका शपथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश इनका शपथ दिलाते हैं। अगर किसी कारणवश ये न्यायाधीश नहीं है तो इनके एब्सेंटी में जो सबसे वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे वो इनको शपथ दिलाते हैं। ठीक है, चलिए इतना तक तो हो गया कि राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, किस तरह से इनको वोटिंग किया जाता है, किस तरह से उन्हें चुना जाता है एक। तो अब आते हैं कि महाभियोग। महाभियोग यानी कि हटाने की प्रक्रिया, इन्हें हटाया कैसे जाता है। हटाने के लिए कोई भी किसी भी सदन में बिल को लाया जाता है, ला सकते हैं। जैसे राज्यसभा में लाए तो उसे राज्यसभा से पास करके फिर राज्यसभा से पास करके लोकसभा में भेजना होता है। वहाँ से भी पास हो गया तो इन्हें महाभियोग लगाकर हटा दिया जाता है। लेकिन महाभियोग लगाने के 14 दिन पूर्व इन्हें सूचना दी जाती है और सूचना में यह कहा जाता है कि 14 दिन पूर्व और सूचना में उन्हें हटाया ही या फिर महाभियोग तभी लगाया जाता है जब वे संविधान का उल्लंघन करते हैं। जब वे संविधान में जो लिखे गए हैं प्रावधान लिखे गए उनके अनुरूप अगर वो काम नहीं करते हैं तो उन्हें उन पर महाभियोग लगाकर हटाने की प्रक्रिया की गई है। तो यही है राष्ट्रपति के बारे में और इससे जुड़े हुए सवाल जिसे हम आसानी से कर सकते हैं अब। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तो थैंक यू। पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।